नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत एक युवक की बेदम पिटाई, 10 से 12 लोगों ने मिलकर पीटा। मिली जानकारी के अनुसार शाहपुर थाना अंतर्गत बसीगढ़ा निवासी विक्की सिंह किसी कार्य से बाहर जा रहे थे। इसी दौरान 10 से 12 की संख्या में लोग आए, पीड़ित युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक बुरी तरीके से घायल हो गया है। वहीं युवक के पास से 20,000 और एक सोने की चेन लेकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित के द्वारा आनन फानन में शाहपुर थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया गया है। शाहपुर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। बताया गया कि आरोपी स्कॉर्पियो डिजायर और बुलेट मोटरसाइकिल लेकर अचानक हमला कर दिए। वहीं पुलिस को मौके से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी दूर है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की रिपोर्ट। शाहपुर थाना क्षेत्र में 10 से 12 संख्या में एक युवक के साथ में मारपीट की गई है। सर, थाना शाहपुर में बिछरटा गांव है, यहाँ पे विपिन विनीत सिंह और पंकज सिंह के मध्य, विनीत और विक्की सिंह और पंकज सिंह, इनके मध्य जो है विवाद हुआ था। 4-5 दिन पहले NCR की एक रिपोर्ट है, दोनों तरफ से दर्ज हुई थी। ये आपस में पारिवारिक मामला है इनका, और कल जो है इनके साथ विक्की उर्फ विनीत सिंह के साथ पंकज और हर्ष नारायण सिंह अपने कुछ साथियों के साथ मारपीट करने की सूचना रात में आई थी, और पुलिस आज जो है शाहपुर थाने की वहाँ मौके पर बिछरटा गई है। जो वहाँ वास्तविक स्थिति होगी, जो रिपोर्ट होगी और जो वहाँ मौके पर पाया जाएगा, उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई पुलिस वहाँ करेगी। सर, फरियादी का कहना है कि पूर्व में भी उसके साथ में मारपीट की गई है। मैंने आपको बताया कि दोनों का पारिवारिक मामला है, दोनों एक ही परिवार से संबंधित हैं, और इनका विवाद हुआ था। उस विवाद में पिछली बार NCR की एक रिपोर्ट हुई थी, इस बार उनने मारपीट की है, उसके पीठ में चोट के निशान है, ये सूचना पुलिस को मिली थी, तो पुलिस मौके पर गई है। जो स्थिति होगी उस हिसाब से उनकी फरियाद सुन करके आपराधिक प्रकरण पंजीकृत किया जाएगा, और जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।